हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में हमको वीलुकअप और एचलुकअप का यूज करना हो तो कैसे कर। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये वीलुकअप क्या होता है और एचलुकअप क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक नया सीख रहे हैं। और यहाँ पे अगर जो आपको कुछ ऐसे डेटा दिया गया, जैसे एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण समझिए, आप लोग ऑफिस में जाते हैं ना फी जमा करने के लिए, आप लोग से पूछा जाए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताए, पूछा जाता है ना, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ यूज है, आया समझ में ना। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया जाता है तो सारा डिटेल आपके निकल करके आ रहा है, आया समझ में ना। तो वैसे ही हम कहीं काम कर रहे हैं, हमको फार्मूला लगाना है, सिर्फ हम उसका आईडी डालें और आईडी टाइप करते उसका सारा डेटा हमारे सामने निकल करके आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसका वीलुकअप और एचलुकअप। ध्यान दीजिएगा, वीलुकअप कब इस्तेमाल करते हैं और एचलुकअप कब इस्तेमाल करते हैं। आप लोग एक्सेल में पढ़े होंगे, इसमें जो ऐसे आता है ये आपका कॉलम, ये क्या होता है, और जो इस प्रकार से जाता है वो आपका क्या होता है, रो। तो जब जो आप डेटा बनाए हैं अगर जो कॉलम में रहे, जैसे आप यहाँ पे नेम लिख दिए तो नेम ऐसे आपका कॉलम में बढ़ के भी चलता है, आया समझे। जब कॉलम में रहे तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे फील, उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे फील, और जब वही डेटा आपका ऐसे रहेगा कॉलम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इसका। जैसे और हम यहाँ नेम लिख दिए और ये नेम ऐसे नीचे नहीं आकर बल्कि ऐसे चला, आया समझ ना। जब भी ऐसे जाएगा और वहां पे डेटा को फाइंड करना है इसका इस्तेमाल करेंगे ऐसे, इसका इस्तेमाल करेंगे, और वो वही डेटा नीचे आया होगा इसका इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है ना। तो कहीं भी बड़ा सा डेटा अगर जो हो और उसको सब फाइंड करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वीलुकअप और वीलुकअप का इस्तेमाल कब होगा, नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ नहीं होगा, ये वीलुकअप फार्मूला है, शॉर्ट में कहीं नहीं पढ़ सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आ रहे समझे ना। मुझे पता वर्टिकल रहता है ऐसे और हॉरिजॉन्टल होता है तो, आ रहे समझे ना। अब ऐसा नहीं कि शॉर्ट ऐसे बनाओ बहुत सारा फुल फॉर्म, एक बस ये फार्मूला का नाम है एचलुकअप और वीलुकअप, फार्मूला का नाम, क्लियर है ना। ध्यान रखिए वीलुकअप कब लगाए, जो डेटा आपका कॉलम में हो, और जो वही डेटा आपका रो में, क्या लगाए। जैसे अभी हम यहाँ पे बना लिया अपना कुछ डेटा, जैसे डेटा बनाने के लिए मर्जन सेंटर आप लोग पढ़े हैं ना, सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, मर्जन सेंटर टाइप कर दिया यहाँ पे वी लुकअप। एंड एच लुकअप एक्सरसाइज को थोड़ा सा क्या कर लिया बड़ा सेंटर, जैसे इसको फॉर्मेटिंग करना अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर, क्लियर है ना। अब देखिए हमको करना क्या है, इसमें कुछ डेटा बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे दिए पहला हेडिंग एस आर सीरियल नंबर, या सीरियल नंबर बजाय हम लिख देते हैं यहाँ पे आईडी, क्या लिख देते, आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है ना, वैसे ले लिया रजिस्ट्रेशन। उसके आगे हम टाइप कर दिए स्टूडेंट नेम, क्या टाइप कर दिए स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट नेम हो सकता है या फिर एम्प्लाई नेम हो सकता है, या फिर चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लाई नेम ही ले लेते हैं। एम्प्लाई नेम, एम्प्लाई नेम को हम ले ले उसका पोस्ट, आखिर वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है। उसके बाद इसका हम ले लिया एड्रेस, क्या ले लिए एड्रेस। के बाद इसका एज ले लिए, क्या ले लिए एज। के बाद इसका सैलरी ले ली, क्या ले लिए। ऐसे डेटा बना हुआ है और इसमें से ऐसे यहाँ पे आईडी नंबर हो जाएगा ना, आईडी नंबर है, एम्प्लाई नेम है, पोस्ट यानी किस पद पे वो काम कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है, वो कितने साल का, और उसकी सैलरी कितनी। ये डेटा ऐसे बना लिए, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दे ताकि हेडिंग लगे, बोल्ड कर दिए, साइज थोड़ा सा बड़ा कर, हो जाएगा ना। और सबको सेलेक्ट करके आपको डबल क्लिक कर ले, ये आप लोग पढ़े ऑटो फिट करना है ना, शॉर्टकट किससे भी हो जाएगा, शॉर्टकट की याद है। हाँ आर के साथ क्या होगा, ओ उसके बाद से सी, और हम यहाँ आईडी टाइप कर लिए, जैसे समझने के लिए 101, आईडी क्या टाइप कर लिए 10। नाम जो दिया है ना, तो नाम फिलहाल हम क्या करते हैं पिछले वाले सीट से कॉपी पेस्ट कर लिए, कॉपी किए और अपने इस वाले सीट पे लाके क्या कर लिए
हाँ टाइप करने से बेहतर है, कॉपी पेस्ट कर लिया हो जाएगा ना। अब आगे हमको पोस्ट दे देना है, जिससे ज्यादा पोस्ट नहीं, हम पहले दे दिए किसका, हाँ सुपरवाइजर का, हाँ दूसरा वर्कर दे दे क्या, डायरेक्टर, चलो इनका वर्कर दे दिए, संदीप को कर दिए डायरेक्टर, हाँ उसके बाद अनूप को पीएम, हाँ पीए होता है ना, पीएम नहीं होता, पीए हाँ यही बस हमने दिया, सेलेक्ट कर ड्रा कर ले नीचे तक, सबका सेम वही आ जाएगा, जैसे आप लोगों को पोस्ट देना होगा अलग अलग पोस्ट टाइप कर लीजिए, हाँ थोड़ा सा सेलेक्ट किए और बॉर्डर कर दिए ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखाए, आल बॉर्डर क्लियर है ना। एक और ध्यान दीजिएगा, जो आप बॉर्डर का कलर हो जो आप चेंज करना चाहते हैं, इसका विथ और चेंज करना चाहते हैं, तो बॉर्डर में आपको आना होगा और नीचे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा लाइन कलर, जैसे सर हम रेड ले लिए, फिर दोबारा हमको क्या करना होगा, सबको सेलेक्ट करके यहाँ से आल बॉर्डर कर लेंगे, देखिए किस कलर में आया है, क्योंकि हम कलर कौन सा लिए हैं, यहाँ से बॉर्डर में चलेगा, बॉर्डर का कलर ले लिए कौन सा, हाँ विथ अगर आप थोड़ा सा मोटा करना चाहते हो तो लाइन स्टाइल में आ जाइए, और जैसे आप बॉर्डर लेना चाहते हो वैसे यहाँ से सेलेक्ट कर, ऐसे ड्रा करने के लिए आया है ना, थोड़ा सा स्केप कर दीजिए हट जाएगा, और फिर सबको सेलेक्ट करके एक बार आल बॉर्डर कर, एक एक लाइन नहीं बस उसको सेलेक्ट करके फिर क्या कर देंगे आल बॉर्डर कर देंगे, जैसे आप लोग टेबल में पड़े थे ना, अब तुम लोग जो अच्छा लगेगा वो लेना लो, आल बॉर्डर कर, ये सही है, ऑरेंज नहीं कलर चेंज हुआ है, ऑरेंज कलर ही है, चलो तुम लोग जो अच्छा लगे, जैसे हम इस बार ग्रीन ले लेते, ब्लैक ही रहने दें, चलो हम सबसे बेहतर है जो जैसे पहले बाय डिफॉल्ट था ऑटोमेटिक कलर रख दिए, और इसका भी हम यहाँ से जैसे पहले था वैसे नॉर्मल कर, सबको सेलेक्ट करके हम क्या कर दिया आल बॉर्डर का, क्या सेलेक्ट पहले से हम किए थे ऐसे सेलेक्ट करके रखे हैं, क्या देखो अगर हम इसको सेलेक्ट फिर कलर ले लिए ना, हम पहले ही बताए कलर आ गया ऐसे, ये लकी ये आ गया पेन है ना, पेन हटाने के लिए बताएं इसके बटन दबा दें, सिलेक्शन है पूरा, और फिर दोबारा आल बॉर्डर कर देंगे, देखो चेंज हुआ हो जाएगा ना। अब करना क्या हमको, एड्रेस टाइप करना है, बताते जाओ लोग एड्रेस इनका, टाइप कर दिया राम कोला, उसके बाद हिमांशु, संदीप, अनु, उसी नगर, विकास, पटरौल, दीपक, कहाँ, दिल्ली, राधेश्याम, तो तांत्र, ऐसे हम टाइप कर दे रहे, इसका भी हम कर दे राम पोला, अनिकेत अनिकेश भेज देंगे तुम लोग अभी, हम बोलो कुशीनगर, तुम, हाँ कुशीनगर, फिर पटौना, ऐसे सबका हम कुछ ना कुछ टाइप कर दिए, कुसुद्दीन, पटौना और आरिफ भी, हमने इतना टाइप कर दिया, और आगे हमको एज देना है सबका, कुछ ना कुछ सबका एज टाइप कर ले, मैनुअली टाइप करना चाहते फिलहाल हम टाइप भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक हम फार्मूले का यूज कर सकते हैं, रैंड बिटवीन, इक्वल टू करेंगे रैंड बिटवीन ले लेंगे, जितने लोगों का एज है लगभग 20 से ऊपर और 30 से नीचे, तो कॉमा कर लेंगे ना, कॉमा सबका सेलेक्ट करके ड्रा कर ले नीचे, सबका निकल जाएगा ना, लेकिन अब ये बार बार चेंज होता रहेगा, ये चेंज नॉइस के लिए इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉपी करेंगे, और कॉपी करके वॉल्यूम क्या कर लेंगे, सबका हमने एज टाइप 29 साल के हो हिमांशु, हाँ आगे क्या देना है, सैलरी, तो सैलरी के लिए हमने दे दी इक्वल टू रेंट बिटवीन, और रेंट बिटवीन हमने दे दिया सबका सैलरी 10,000 से ऊपर और 20,000 से, ब्रैकेट को कर दी क्लोज, और फिलहाल ध्यान रखिएगा अभी हम ऐसे मैनुअली टाइप कर दे रहे हैं फार्मूला के माध्यम से, लेकिन जहां काम करेंगे ना वहां के हिसाब से हमको टाइप करना होगा, आ रहा समझे ना, कॉपी करके वॉल्यूम क्या कर लिए हो गया, लेकिन हाँ यही अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं ना
तो ऐसे अगर जो 12 लोग का सिर्फ हमारे पास डेटा है, तो कोई आके कह रहा है कि हमारा 106 नंबर पे है, हम आसानी से बता सकते हैं कहाँ दीपक है, ये वर्कर है, एड्रेस पर डॉन है और इनका एज क्या है, 21 वर्ष का है इनका, इतना आसानी से बता सकते हैं ना। लेकिन अगर जो आप बताइए किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सैकड़ों की संख्या में डेटा हो सकता है ना, और सैकड़ों की संख्या में डेटा हो और कोई आके कह रहा है नहीं थोड़ा सा बताइए हमारा आईडी 105 है, क्या हम ढूंढने जाएंगे, बार बार ढूंढने जाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस जो आपका हेडिंग है ना, इस हेडिंग को पहले करना है कॉपी, और इसके बगल में जहां भी निकालना वहां कर देना है पेस्ट। सेम वही हेडिंग आ गया है ना, अब आपको करना क्या है, आईडी कोई एक आईडी यहां से यहां तक, तो कोई एक आईडी यहां टाइप कर देना, कोई भी टाइप कर, जैसे 109 ही टाइप कर ली। यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना हो तो सबसे पहले आपको बताइएगा इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, वी लुकअप कि एच लुकअप, कौन सा फार्मूला वी लुकअप लगेगा ना, क्योंकि अभी हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम फार्मूला लगाने जाएंगे और वहां पे क्या होगा कि जो डेटा अगर जो हमारा ऐसे कॉलम में आए, कॉलम में आए किसका इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप का, और वही डेटा अगर जैसे रो में जाएगा किसका इस्तेमाल करेंगे, जो डेटा रो में है कि कॉलम में, कॉलम में है ना, तो कॉलम है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप। लगभग आप लोग फिक्स करना पड़े हैं ना, तो फिक्स करना पड़े हैं ना, फिक्स क्यों करते हैं हम लोग, करें तो जब हम कहीं भी इसको सेल को ड्रा करें फार्मूला आगे निकालने के लिए, तो वहां पे क्या हो, सेल चेंज ना हो, वो सेल वहीं पे क्या रहे फिक्स, तो उसके लिए हमको सबको क्या करना होगा फिक्स। लेकिन हाँ ध्यान रखिए पहले कह रहा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होगा, आप वो आईडी बताइए जिसके अनुसार आपको डेटा फाइंड करना, किसके अनुसार फाइंड करना है, आईडी के अनुसार ही फाइंड करना है ना, आईडी को क्या कर लेना, आईडी को क्या करना है, फिर करना है कॉमा, आगे क्या करना है, तो कह रहा है टेबल एरे, क्या कह रहा है, तो टेबल एरे में हम पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, पूरे टेबल को क्या कर लेना है सेलेक्ट, यानी कि हम यहां से लेकर के यहीं तक पूरा टेबल है ना, टेबल को क्या कर लेंगे सर। लेकिन ध्यान रखिए अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं फिलहाल, समझने के लिए कि एरर क्या आएगा। फिर हम यहां से कर दिए कॉमा, कॉमा के बस कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए, कॉलम इंडेक्स नंबर के बजाय हम यहाँ टाइप कर दिए क्या कॉलम्स का फार्मूला। कॉलम आप लोग फार्मूला पढ़े हैं सबसे पहले ना, कॉलम आपको बताए थे याद है कुछ, कि कितने नंबर कॉलम है ये हमको पता करना, कौन सा फार्मूला लगाएंगे कॉलम, लेकिन उसे हम इस बार लगाएंगे कॉलम, यानी कि यस क्या कर देना, जोड़ दे, ब्रेकर को क्या करना है। तो अब कह रहा है एरे, आगे क्या कह रहा है, तो एरे में आपको कहीं भी नीचे बस दो कॉलम को ऐसा सेलेक्ट कर, तो वो क्या कर लेना है, देखिए अभी किसी को हम फिक्स नहीं किया, यहाँ भी ब्रेकेट को कर दिए क्लोज और फिर कॉमा, तो कह रहा है ट्रू की फॉल्स, ध्यान रखिएगा फॉल्स के लिए क्या होगा, यानी कि अगर जो आप चाहते हैं एग्जैक्ट मैच बताए तो 0, और अगर चाहते नहीं गलत बताए तो उसके लिए क्या करना होगा, आखिर ये मैच और ये ऊपर जो दिया वो इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे आपने डेटा लिया ना दीपक 106, 106 लिए है ना, ध्यान दिए 106 में दीपक वर्कर पर ड्रोन आ दिया, जिसके ऊपर हमें लिए संदीप या फिर हिमांशु का दिया है, हिमांशु भी वर्कर है और कहाँ पे एड्रेस है, पर ड्रोन, तो आईडी डालेंगे 106, आगे बताएगा दीपक, नाम क्या बताएगा दीपक, लेकिन बाकी आगे का जो सारा डेटा है ना वो यहाँ का नहीं बता करके बल्कि यहाँ का सारा डेटा हो, कब कि जब हम ऊपर वाला जो वैल्यू रखेंगे यानी 1 रखेंगे, हम चाहते हैं बिल्कुल करेक्ट वैल्यू बताए, तो उसके लिए हम यहाँ पर रखेंगे 0। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या रखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और तो एक पहला देखिए बता दे रहा है ना 109 पे कौन है, सही बता रहा है ना, कोई नहीं, अगर जो कोई आ रहा है आईडी चेंज करने के लिए कह रहा है तो आप 104 कर लीजिए, देखिए 104 पे कौन है, चेंज हुआ है ना, लेकिन अगर आप इसको सले करके ड्रा करते हैं, अनुप का भी बता दे रहा है पीए कुशीनगर 22 बता रहा है ना, लेकिन अभी आपका फार्मूला सही बता रहा है, लेकिन अगर जो वही डेटा अगर जो कहीं आप थोड़ा सा मिसमैच करेंगे, डेटा आपको बताने वाला पता है क्यों, क्योंकि आप लास्ट वाले में डबल क्लिक करें, देखिए क्या आपके टेबल को सेलेक्ट किया है, टेबल को सेलेक्ट किया है, बल्कि सारा टेबल कहाँ गया लास्ट,
क्योंकि हम इसको फिक्स नहीं चाहते हैं, जहां ये जगह हमारे पे वही फिक्स रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब यहाँ फार्मूला लगाएंगे ना इक्वल टू वी लुकअप, तो लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है, सेलेक्ट या 4 से फिक्स, फिक्स हो गया है ना, कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल को क्या कर लेना है या 4 से फिक्स, कॉमा कॉलम की जगह हमको क्या लिखना है, कॉलम्स का फार्मूला लगाना है ना, यहाँ लिखेंगे कॉलम्स, दो कॉलम को क्या कर लेना है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों को फिक्स नहीं करना है। पहला देखिए आपका सेल लेंथ दे रहा है, पहला क्या है O14 और दूसरा क्या है P4, क्योंकि एक O को आपने सेलेक्ट किया और दूसरा किसको, पहला वाला O है ना O14 वाला, उसको बस सेलेक्ट कर लेना ऐसे कर्सर से। हाँ यहाँ पे दो ही कॉलम को सेलेक्ट करना है, ये स्टार्ट बता रहे हैं, समझ समझा रहे हैं, मतलब हमने किसको सेलेक्ट किया, दो दो के बाद हमको ये पहले वाले को फिक्स किया है, सेलेक्ट किया है ना इसको, या फोर्स क्या कर लेना है फिक्स, और लास्ट में हमको क्या करना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज, कॉमा करके दे देना है क्या, ब्रैकेट क्लोज, और इनका निकल गया ना, हाँ ड्रा कर दिया यहां से लेकर के यहां तक, डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो हम कॉलम्स में एक फिक्स किए हैं ना, अब वो काफी लंबा वक्त चला गया दिख रहा है ना, समझिएगा, अगर हम लोग चाहें ना तो यहाँ पे जो हम लोग कॉलम्स का फार्मूला लिखे हैं ना, ये कॉलम्स का फार्मूला नहीं लिख करके हम टाइप भी कर सकते मैनुअली, पता है तब क्या टाइप करना होगा, तो आप बताइए इम्प्लाई नेम निकाल रहे हैं ना, इम्प्लाई नेम टेबल के किस कितने नंबर कॉलम में है, दो नंबर कॉलम में है ना, इसलिए हम यहाँ टाइप कर दिए टू, क्या टाइप कर दिए टू, ब्रैकेट को क्लोज, और तो भी फार्मूला आ गया, लेकिन वही अब हम ड्रा कर देखिए सब में अनुप अनुप आए, सब में क्या आएगा, क्योंकि कॉलम नंबर दो में है ना नाम, इसे हमको फिर डबल क्लिक करना होगा, कॉलम नंबर तीन करना होगा, तब कॉलम नंबर क्या करना होगा, तीन, इंटर कर, अब जाके सही बता रहा है ना, फिर इसे हमको कॉलम नंबर क्या करना होगा, चार करना होगा, आ रहा समझ में, बार बार सब में चेंज करना होगा, लेकिन वही जो हम यहाँ कॉलम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करके या फोर से, कॉमा पूरे टेबल को सेलेक्ट करके या फोर से, कॉमा कॉलम्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, यानी देख क्या कॉलम्स, तो हम इसलिए दो को सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इम्प्लाई नेम कितने नंबर कॉलम में है, जब यहाँ रहेगा तो दो कॉलम समझेगा, तो दो टाइप करेगा तो कितना बताएगा, तो अब जैसे हम पहले वाले को फिक्स कर दे रहे हैं और सेलेक्ट करके, तो पहला तो वही फिक्स हो गया, पहला वाला सेल चेंज नहीं होगा ना, और लास्ट में हम क्या किए, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, और एक का निकल गया ड्रा कर, निकल गया सबका ना, अब देखिए पहले वाले में कितना सेल काउंट किया है, तो तीसरे वाले में कितना किया है, तीन, उसके अगले वाले में चार, उसके अगले वाले में पांच, और उसके अगले वाले में छह, यानी कि अब ये नंबर हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, ये नंबर हमको लिखना ना पड़े इसलिए हम कॉलम्स का फार्मूला लगा रहे हैं, और इसलिए पहले सेल को क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर। हाँ मान लीजिए आप इतना डेटा बनाए और भाई पे आप जैसे काम कर रहे हैं पूरा मतलब स्क्रीन पे भरा हुआ है हमें सीधे साइड के हाँ सेलेक्ट करने के लिए आप, हाँ ये भी बेहतर क्वेश्चन है, समझ लीजिए जैसे अगर यहाँ पे इतना डेटा था, हम ऐसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं ना, लेकिन इस सीट पे काफी बड़ा डेटा होगा तो कैसे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने में समस्या होगा ना, तो सिलेक्शन करने से पहले आप अपने टेबल के पहले पे कर्सर रखेंगे, इस पहले सेल का नाम क्या दे रहा है, E8 दे रहा है ना, तो अगर जो याद है तो ठीक, नहीं तो कहीं नोट कर लीजिएगा, पहले सेल का नाम क्या है, E8 है, क्या है, E8, फिर आप जहां टेबल का लास्ट खत्म हो रहा होगा ना वहां पे कर्सर रखिएगा, यही खत्म हो रहा है ना, ठीक बता रहा है कितना है, है जे 20, तो यहाँ पे आप कॉलन दीजिएगा और लिख लीजिएगा जे 20, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, E8 से, और एंड कहाँ पे हो जा रहा है, जे 20, कोई नहीं, अब आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इक्वल टू करिए वी लुकअप लिख, फिर इसको क्या कर लीजिए या 4 से, कॉमा टेबल अरे बहुत लंबा है हम उतना सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमने पहले से ही तो लिख रखा है ना, तो टाइप कर देंगे E8 है, देखिए पहले कॉलम को सेलेक्ट किया, पहले से
सेलेक्ट कर लिया है ना, हम कर देंगे यहाँ से कॉलन। कॉलन करने के बाद से दूसरा हम क्या दिया, J20 दिया है ना, तो टाइप करेंगे J, फिर आप कर देंगे कितना 20, सेलेक्ट कर लिया पूरा टेबल, हो जाएगा ना। यानी कब हमको वहां जाके सिलेक्शन करने को आ सकता, अब या फोर से फिक्स कर, या फोर्स क्या कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिए अभी ये वाला E8 ये फिक्स नहीं हुआ, इसको भी कर्सर रखिए, फोर्स क्या करेंगे फिक्स, फिर करेंगे कॉमा, और वही फार्मूला कौन सा, कॉलम्स क्यों लगा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ताकि हम सब में 1 2 3 टाइप ना करें, वो अपने आप ही काउंट करते चला जाए, उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कॉलम्स। यहाँ करेंगे फिर दो कॉलम को सेलेक्ट, पहले वाले को क्या कर लेंगे या फोर से, फिर हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज कॉमा 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, और एक का निकल गया, आप ड्रा कर लीजिए सबका निकल जाए, हो जाएगा ना। अब कोई भी आएगा, डेटा हमारा ऐसे निकला हुआ है, कोई भी आया कह रहा है कि हमारा देखिए आईडी कितना है 104 है, टाइप कर दे, निकल गया डेटा। अब कह रहा नहीं हमारा आईडी 107 है, कर्सर रखेंगे 107 टाइप करेंगे एंटर कर, सारा डेटा चेंज हुआ। कोई कह रहा नहीं 10 क्या है, 110 है, इनकी 110 है, टाइप कर दे 110, 110 पे कौन है, 111 है, 111 एंटर कर लिए, 111 पे कौन है, 112 पे आ रही, निकल के आ जाएगा सबका, कोई दिक्कत इसमें। हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जो हम बीच में एक और किसी का डेटा जोड़े यहाँ पे 113 और आगे नाम टाइप कर दिए किसी का, नाम टाइप कर दिए हम रोहन का, फिलहाल इसका नाम टाइप कर दिए रोहन, इसको भी हम बना दिए क्या वर्कर, और इसका एड्रेस कर दिए रामकोला, और रामकोला के पास इसका एज कर दिए कितना 20, और इसका सैलरी कर दिए 12, क्लियर है ना। तो अगर हम यहाँ पे 113 करेंगे तो नहीं बताएगा, क्या बता रहा है, नॉट अप्लीकेबल, ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि जो भी हम सेल सेलेक्ट किए हैं ना, वो कहाँ तक सिलेक्शन किए हैं, 12 तक ही सिलेक्शन किए हैं ना। तो अगर जो आपको लग रहा है कि भविष्य में आपको डेटा बढ़ाना होगा, तो ये सेल को क्या करेंगे, वो सिलेक्शन करेंगे थोड़ा सा लंबा सिलेक्शन कर, सिलेक्शन को क्या करना थोड़ा सा लंबा सिलेक्शन कर लेना, या बाद में इसी के साइज को बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ेगा, आएगा आ रहा है, लेकिन जानते हो ज्यादा क्यों हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ड्रा कर, जहां तक रखना हो हमको इतना ही तक बढ़ाना, इतना ही रख लिया, हो गया ना, फिर हम इंटर कर लिए, एक में आ गया, इसको ड्रा कर देंगे सब में, देखिए रोहन का सारा निकल के आ गया है ना। कोई नहीं, अगर जहाँ पे यहाँ पे कर दे क्या 114, 114 का भी क्या बता रहा है नॉट अप्लीकेबल, तो आप यहाँ टाइप करते जाइए 114, आगे सब में 00 से बता रहा है ना, कि अभी आगे कोई डेटा हम टाइप कर दें, यहाँ पे रमेश, रमेश आ गया वहां पे, पोस्ट टाइप कर दिए ER, क्या टाइप कर दिए ER, इंजीनियर के लिए टाइप कर दिए सिंपल में ER। हाँ इसका एड्रेस कर दिए क्या कुशीनगर, कुशीनगर आया, एज टाइप कर दिए कितना 18, इसका ये 18 साल का ये इंजीनियर बन चुका है, और इसका सैलरी कर दे मात्र कितना, आ गया सारा डेटा, मैंने टाइप कर दी, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, ऐसे डेटा बना लीजिए, फिर फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं इसका, डेटा बना लीजिए, कैसे डेटा आपको बनाना होगा। हाँ हाँ नहीं दूसरा से सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक डेटा भरा रहेगा, 16,000 तक नहीं भरा रहेगा, पूरा जा सकता है, कहीं जा सकता है, क्योंकि पढ़े हो 16,384 कॉलम होता है, और 10,48,576 क्या होता है रो, हो जाएगा ना, ऐसे डेटा बनाइए, फिर आगे बताते हैं आप लोग फार्मूला। कितना फार्मूला लिखेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी दो दो लाइन का फार्मूला लिखोगे ना, दो दो लाइन का फार्मूला अभी भी है आगे, अभी कितना फार्मूला पढ़े हम लोग,
1 2 3 4 चौथा भी फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा नहीं पांचवा, अभी पांचवा फार्मूला है ना। बनवा लो। नोट हो गया? ठीक है, हाँ बता देना। हो गया इस पे? हाँ यहाँ फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं, ये हो गया ना फार्मूला, नोट कर लीजिए फिर, नोट पैड में लिख दे रहे हैं। ब्रैकेट में और जो फोर लिख दे समझ में आ जाएगा ना। बहुत लंबा होगा। हाँ ऊपर काम हो रहा है, एक बार समझ लीजिए कैसे मैं लिखा है। पहले भेलू कब आपको लिखना है, ब्रैकेट को क्या कर लेना हो, सिंगल आईडी को पहले क्या कर लेना है, एक आईडी को सेलेक्ट, या फोर्स क्या कर लेना है, फिर कॉमा सेलेक्ट ऑल टेबल, पूरे टेबल को क्या करना है सेलेक्ट, उसका सी फोर्स क्या कर लेना है आपको, फिर लिखना है वहां पे कॉलम्स, और कॉलम्स लिखना है ब्रैकेट को क्या कर लेना है, फिर आपको लिखना है करना है क्या सेलेक्ट टू कॉलम, दो कॉलम क्या कर लेना है, एंड पहले कॉलम को क्या कर लेना है फिक्स कर देना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज कॉमा जीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज करके हो जाएगा ना, और फिर ड्रा कर लेंगे सबका निकल जाएगा। थोड़ा सा गलत बताएगा, ट्राई कर लेने लो, वो जानते हो कब गलत बताएगा, जब सेम उसी एड्रेस का उसी पोस्ट का जो ऊपर डेटा रहेगा ना, तो सैलरी और एज नीचे वाले के नहीं बता करके ऊपर वाले का ही बताएगा। लिख लिए सभी लोग? तो आज आप लोग ये वी लुकअप ट्राई करिएगा, और अगली क्लास में आपको बता देंगे एच लुकअप।
हाँ यहाँ पे बिना इक्वल टू करे, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ठीक है। हो गया, तो ये आज आप लोग ट्राई करिए लोग।